हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग। ये आज का छोटा सा हार्वेस्ट है लीफी वेजेस, तुलसी और रेड एमरेंथ। और साथ साथ मैं बात करने वाली हूँ कि मैं अपने टेरेस गार्डन में ऑर्गेनिकली सब्जियाँ ग्रो करने के लिए कौन कौन से खाद यूज़ करती हूँ या इन पौधों को न्यूट्रिएंट्स कैसे ऐड करती हूँ ताकि ये जितना भी हार्वेस्ट प्रोड्यूस करें वो ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई केमिकल ना डालना पड़े। इस मिर्ची के पौधे में दोबारा से फिर से एक बार भर के मिर्चियाँ लगी हैं, तो ये बिल्कुल मेरी किचन के पास है। किचन जहाँ पर है, जिस फ्लोर पे, उसी फ्लोर पे ये प्लांट रखा हुआ है। तो होता क्या है कि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलती है। कैसे मिलती है कि जो भी सब्जी काटी उसको धोया तो उसका जो पानी होगा वो आके इसमें डाल दिया, या फिर अगर इसमें पानी पहले से डला हुआ है तो मैं कलेक्ट करके रख लेती हूँ। आलू काटे या आलू उबाले उसके बाद जो पानी बचा, या चावल हम अगर खुले बर्तन में उबालते हैं तो कई बार उसका पानी फेंकते हैं, जो एक्सेस वाटर होगा तो उसको भी आप बकेट में रख लो, जब ठंडा हो जाए उसके बाद उसको डाइल्यूट करके, जितना डाइल्यूट आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ज़्यादा प्लांट्स में यूज़ हो जाएगा और दूसरा इजी फॉर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा प्लांट्स के लिए, और किसी तरह के उसमें पेस्टिसाइड नहीं लगेंगे, फंगस वगैरह नहीं ग्रो करेगा। अगर बहुत थिक होगा, क्योंकि आलू और चावल का जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो उसमें बड़ी जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं, तो उनको डाइल्यूट करके ही आप अपने प्लांट्स में यूज़ करें। और इसके अलावा हमारे किचन से सब्जियों के छिलके निकलते हैं, स्पेशली फ्रूट्स के छिलके जो निकलते हैं, एप्पल वगैरह के, वो बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको भी आप इस तरह से ऐड करें। इन प्लांट्स के गमलों में ऊपर ही रख दें तो वो बड़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे थोड़े दिनों के अंदर अंदर, और वो खाद बन जाएगी अपने आप, आपको स्पेशल खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा बनाना पील तो सभी यूज़ करते हैं, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फोरस का बड़ा रिच सोर्स होता है और वो भी बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है। उसको भी मिट्टी में काट के इसी तरह हम गमले में मिक्स कर दें तो थोड़े दिनों बाद वो डिकम्पोज होके अपने आप खाद बन जाती है। कंपोस्ट बनाने से ज़्यादा ईजी है ये मेथड, आप डायरेक्टली गमले के अंदर डाल दें छिलकों को, बहुत ज़्यादा भर भर के ना डालें, अदरवाइज़ बहुत सारे मक्खी मच्छर वगैरह उसके ऊपर भेम बनाते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में कभी कभार डाल दें, 10-15 दिनों के बाद कोई कोई जो छिलके आपको लगता है कि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे तो उनको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एग शेल्स डाल सकते हैं, एग शेल्स निकलते रहते हैं, उनको ग्राइंडर में आप पीस के 2-2 चम्मच सभी गमलों में डाल दें, और फिर वो भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को, जिससे प्लांट्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे कैल्शियम की मदद से और इनको फ्रूट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा भी हमारे घर में जब हम मक्खन निकालते हैं उसके बाद जो चीज़ बच जाती है लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड भी पौधों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा डाइल्यूट करके सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ। डाइल्यूट करना बहुत ही ज़रूरी है, बिना डाइल्यूट किए आप कभी भी ना डालें, अदरवाइज़ मैंने जैसे बताया आपको कि ये प्लांट्स के लिए फिर नुकसानदायक भी हो सकता है, तो डाइल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो उससे नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा, उससे यही होगा कि प्लांट्स को थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, लेकिन आप ज़्यादा प्लांट्स में डाल पाएंगे वो जो आपने घोल बनाया होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया होगा, पानी में घोल कर ही आप ऐड करें। अदरवाइज़ आप इस तरह का जो चीज़ें आपके किचन से निकलती हैं उनको बिना डाइल्यूशन के आप बिल्कुल ना डालें। ये हमारे कॉस्मोस के सीड्स बनने शुरू हुए हैं, तो मैंने ये भी आज थोड़े से हार्वेस्ट किए हैं, अलग रख लिए हैं, ओपन अप हो जाते हैं, ये जो सीड्स होते हैं ये ओपन अप हो जाते हैं। तो ये है आज का छोटा सा हार्वेस्ट। यहाँ पर भी 2 बैंगन लगे हुए हैं, आज मॉर्निंग टाइम का हार्वेस्ट है, और मैंने आज आप लोगों को
ये शेयर किया कि मैं अपने किचन गार्डन में किस तरह से न्यूट्रेंट्स ऐड करती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो छोटा सा वीडियो है इसे शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपने विचार साझा करें हमारे साथ। और सर्दियाँ जो कि शुरू होने वाली हैं, तो आप भी अपने टेरेस पे 2-4 गमले रख के या बकेट्स रख के उसमें वेजिटेबल्स ज़रूर लगाएं। सर्दियों में वेजिटेबल्स ग्रो करना बहुत इजी होता है। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।